नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच 18 से 22 जून के बीच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाना है। इस मैच में न्यूजीलैंड को उनके अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर से काफी उम्मीदें होंगी। इस बीच रॉस टेलर ने अपने संन्यास को लेकर एक अहम खुलासा किया है। टेलर ने कहा है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड के खिलाफ जीत गई होती तो शायद वो क्रिकेट से संन्यास ले लेते। आपको बता दें, न्यूजीलैंड की टीम 2 साल पहले वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ बाउंड्री के आधार पर मेजबान इंग्लैंड से हार गई थी। इतने करीब आने के बावजूद वर्ल्ड कप गंवाने से सभी खिलाड़ी काफी दुखी थे। वहीं अब कीवी टीम एक और आईसीसी इवेंट के फाइनल में है। उन्हें भारतीय टीम के खिलाफ 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलना है। पिछले 6 साल में कीवी टीम का आईसीसी इवेंट्स में यह तीसरा फाइनल मुकाबला है। रॉस टेलर ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार और अपने संन्यास को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, लॉर्ड्स में उस फाइनल मुकाबले को हारना काफी निराशाजनक रहा। मेरे हिसाब से जब आप हारते हैं तो ऐसा लगता है कि आखिरी बार आप वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलना काफी शानदार है। अगर हम 2019 का वर्ल्ड कप जीत गए होते तो मैं शायद उसके बाद रिटायर हो जाता। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा नहीं किया और इस मुकाबले के लिए आज यहां पर हूं। बहरहाल, न्यूजीलैंड की टीम भले ही 2015 और 2019 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने से चूक गई हो, लेकिन टीम के पास अब सुनहरा मौका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने का। ये टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड कप की तरह ही है, लिहाजा न्यूजीलैंड की पूरी टीम खासकर रॉस टेलर चाहेंगे कि क्रिकेट को अलविदा कहने से पहले वो ये बड़ा टाइटल अपनी टीम को जिताए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।